देखिए भैया, ये देसी गाय का गोबर है देसी और गाय कहाँ है? हाँ और बकरी की भेड़ारी है। इसको 1 महीना तक छाया में सुखाए हैं और उसका बाद अब इसको अच्छी तरह से चूर चूर कर ढेर का अथी बनावेंगे, चन्नी से चालेंगे। चलिएगा। हाँ ठीक है भैया, इसको चालने में थोड़ा मदद कीजिए। ये जो कि DAP रासायनिक खाद में डालते हैं ना, इसी तरह से ही मतलब घन जीवा मित को हम लोग बढ़िया से रखते हैं, ठीक करके जहाँ 6 महीना तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीना रख सकते हैं। हाँ इसमें जीवा मित मिलाइए और 48 घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिए छांव में, सूती के बोरा से झांप कर। देखिए भैया, ये चाला हुआ गोबर है। हाँ चाला हुआ है। अब इसमें जीवा मित डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें जीवा मित्र डालिएगा। हाँ 2 क्विंटल ऐसा सूखा हुआ गोबर और चाला हुआ गोबर लगेगा, 2 क्विंटल लगेगा। 2 क्विंटल और 20 लीटर जीवा मित। 20 लीटर जीवा मित्र। जी 1 एकड़ के लिए 2 क्विंटल ये गोबर सूखा हुआ चाला हुआ गोबर और 20 लीटर जीवा मिट्टी लगेगा। यानी 1 एकड़ दो दो कुंटल गोबर लगेगा और 20 लीटर जीवा मित्र लगेगा। जी तब घन जीवा मिट्टी तैयार होती है। अभी हम भैया 1 कट्ठा के लिए बता रहे हैं, ये 1 कट्ठा के हैं भैया, 15 किलो। 15 किलो गोबर है हाँ और इसमें जीवा मित्र कितना एक डालेगा? लीटर 1 लीटर जीवा मित्र डालिएगा। उसके बाद क्या हाँ कीजिएगा दीदी? अब जीवा में डालेंगे। इसमें डालिएगा? हाँ डालिए दीदी। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे से मिलाना। मिला दीजिए। ठीक है भैया, अब इसको छांव में रख देते हैं और इसको सूती के बोरा से झांप देते हैं कितना देर के लिए रखते हैं दीदी? 48 घंटा के लिए भैया, धूप में नहीं छांव में इसको रखना। छांव में रखते हैं हाँ। दीदी। 48 घंटा के बाद क्या करते हैं? इसको कड़ी धूप में मतलब छिड़िया के सुखा देते हैं। सुखा देते हैं। हाँ और उसका बाद सुखैला के बाद क्या करते हैं? बोरा में कसकर रख देते हैं, 6 महीना तक इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पानी के अभाव है वहाँ पानी का जहाँ अभाव है वहाँ पर हाँ इसका छिड़काव करते छिड़काव हैं।